लाहौर पुलिस में बगावत का खदशा पैदा हो गया। 25 मई के वाके में सबको अपनी अपनी पड़ गई। आपको बताएं, सीसीपीओ लाहौर ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। एसएसपी एडमिन, एसपी डिसिप्लिन, एसपी सिक्योरिटी कमेटी में भी शामिल हो गए हैं। मजीद तफसीलात इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 25 मई के वाकये के बारे में हुकूमत की जानिब से लाहौर पुलिस को ये दबाव डाला गया कि जो तमाम जो अफसरान हैं, एसएचओ जो हैं या डीएसपीज हैं, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमाओं के घरों के अंदर रेड की। तो इस हवाले से आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर ने इस दबाव के बाद एक कमेटी तश्कील दी, जिसकी सरबराही एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर कर रहे थे, जिसमें एसएसपी डिसिप्लिन, एसपी सिक्योरिटी में दीगर अफसरान शामिल थे। और उन्होंने एसएचओ को बुलाकर उनसे जो इस वाकये के हवाले से बयानात कलमबंद करने के लिए उनको बुलाया और उनको कहा कि वो अपना तहरीरी बयान दें कि उनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे और उसके साथ साथ जिन लोगों ने अपने चेहरे झांप रखे थे वो मशकूक अफराद कौन थे। तो इस पर आपको बताएं कि एसएचओ की जानिब से जो पुलिस की जो आला सतही कमेटी है उसको तहरीरी बयान अभी तक कोई जमा नहीं करवाया गया, और जो एसएचओ थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि उनको पुलिस अफसरान जो हैं वो अपनी सीटें बचाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और इस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इन्होंने अपना तहरीरी बयान जमा कराने से इनकार कर दिया है और अभी तक किसी भी पुलिस एहलकार ने या अफसर ने जो अपना तहरीरी बयान कमेटी को जमा नहीं करवाया, जिससे ये शुबा जाहिर हो रहा है कि पुलिस के अंदर बगावत का खदशा जो है वो बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।